If two sources are coherent, then the phase difference between the waves produced by them at any point. जब भी दो sources, light के sources coherent होते हैं, तो उनका wavelength और उनका phase difference क्या होता है? बराबर होता है. तो यहाँ पे क्या होता है? जब phase difference बराबर होगा और उनका wavelength बराबर होगा, तो उनका जो position है maximum minimum का, वो क्या होगा? Constant रहेगा, change नहीं होगा. Constant in the sense change नहीं होगा. तो देख लेते हैं, विल चेंज विद द टाइम एंड, ये तो चेंज कर रहा है, विल नॉट चेंज विद द टाइम एंड वी हैव अनस्टेबल पोजीशन. अनस्टेबल नहीं, हमें स्टेबल मिलेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर जगह पे. पोजीशन ऑफ, ये ऑफ गलत है यहां पे, पोजीशन विल नॉट चेंज पोजिशन विल नॉट चेंज विद टाइम एंड वी विल हैव स्टेबल. यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? स्टेबल पोजिशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम. ऑप्शन नंबर सी, विल चेंज, ये तो चेंज करा रहा है, पोजिशन चेंज कर देंगे नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वेवलेंथ और फेज डिफरेंस सेम रहेगा.